नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट मंगलवार के साथ शरद कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री जीवेश कुमार मिश्रा जी। जीवेश कुमार मिश्रा जी, कल विपक्षी एकता की बैठक हुई बेंगलोर में, नीतीश कुमार वहां पर भी पुलिस पटना से पहले ही निकलकर पटना की ओर आया, पटना से भी मीडिया से दूरी बनाया। चौबे गए थे छब्बे बनने, दुबे बन के आ गए। हम लोग क्या है कहावत है, चौबे गए छब्बे बनने, दुबे बन के आ गए। गए थे संयोजक बने, इनके गार्जियन जो है लालू यादव जी, जो खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, सजा याफ्ता है, वो गए थे इनका गारंटर बन करके कि तुमको संयोजक वहाँ बनवाएंगे, चलो। और उन्हीं के झांसे में आके रात के अंधेरे में सरकार पलट गई। सब काम किए, रात के 12 बजे एक अन्य मार्ग से निकल के जाते थे लालू जी के आवास पर, बैठक लगा के रात के अंधेरे में आते थे और सरकार को रातों रात बदल लिए। बिहार की जनता, बिहार की महान जनता समझ नहीं पाई कि ये क्या हो गया। लोग नहीं समझ पाए, हम लोग गठबंधन के साथी थे, हम लोग नहीं समझ पाए कि बात ऐसी क्या हुई कि सरकार बदल गई। तो बाद में पता चला कि लालू यादव जी ने गारंटी लिया है कि तुमको हम अगला प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाएंगे और तुम अब बूढ़ा हो गया, भतीजा के लिए, तेजस्वी के लिए जगह छोड़ो, उसको मुख्यमंत्री बनाओ। इस प्रकार की एक बड़ी डील हुई थी और इस डील के चक्कर में महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री जी ने अचानक रात के अंधेरे में सरकार पलट ली। तो अब उसी आशा और भरोसे पर लालू जी के साथ ही गए थे बेंगलोर। लालू जी गारंटर बन करके गए थे, गारंटी लेकर के कि हम वहाँ आपको संयोजक बनाएंगे। लेकिन वहाँ जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, उन्होंने प्रस्ताव दिया, जैसा कि हम लोगों को खबर मिल रही है आप लोगों के माध्यम से, कि अगर संयोजक कोई बनेगी तो सोनिया गांधी जी बनेगी। तो सोनिया गांधी जी संयोजक बनेगी, ये अन्य लोगों को मान्य नहीं था। तो पहले ही जो दूसरी, तीसरी, चौथी बैठक हो रही है अभी महागठबंधन का, उसमें ये तय ही नहीं कर पा रहे कि इसका नेता कौन हो। नेता नहीं, नीति नहीं, नियत ठीक नहीं, वो चले हैं भारत के अंदर चुनौती देने के लिए ऐसे शख्सियत को जो गरीब कल्याण के लिए 9 वर्षों से काम कर रहा है, लगातार देश उसके नेतृत्व में बदल रहा है, दुनिया में देश का मान बढ़ा है। तो भारत की महान जनता अच्छे से इस बात को समझ रही है और कहीं इन लोगों के लिए जगह नहीं है। तो वहाँ से मुँह लटका करके नीतीश कुमार जी बेंगलोर से, और बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हुए, बड़े भाई लालू जी के साथ, यही तेजस्वी यादव जी ने न कहा था उनको, आप पता करिएगा, उसका वीडियो फुटेज भी वायरल हुआ था, यही तेजस्वी यादव जी लोक विधानसभा के संयुक्त सत्र में कहा था नीतीश जी को कि आप तो बेटी पैदा होगी इस डर से बच्चे नहीं पैदा किए, एक पर रोक दिए। बहुत खराब लहजे में कहा, हम तो थोड़ा अच्छे लहजे में कहें, मतलब एक प्रकार से, मतलब सत्ता के लिए क्या क्या करेंगे और कितने गिरेंगे नीतीश जी, क्या क्या नहीं कहा तेजस्वी यादव, किस किस शब्दों का चयन नहीं किया उनके लिए। शायद पूरी लाइब्रेरी आप लोगों से लेकर एक बार देख लेंगे तो हम समझते हैं कि राजनीति क्या संन्यास ले लेंगे जीवन से, वो कहीं किनारे बैठ करके राम नाम भजना शुरू कर देंगे। जिस तरह से विपक्षी एकता की बैठक पहले बिहार में हुई, दूसरी बैठक देखिए, ये भोज खाने की प्रतियोगिता है। एक बैठक कलकत्ता में मछली चावल का, दूसरा बैठक बिहार में लिट्टी चोखा का, तीसरा बैठक बेंगलोर में इडली बारा का, चौथा बैठक दिल्ली में अब होगा जो है रोटी नान का, महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र में होगा बड़ा पाव का। अब देखिएगा ना, अब अगला बैठक बड़ा पाव का महाराष्ट्र में होगा, उसके बाद की बैठक दिल्ली में रोटी नान की होगी। तो ये घूम घूम करके भोज खा रहे हैं, जो नेता भारत की महान जनता देख रही है, 3-4 बैठकों में जो दल अपना नेता नहीं चुन पाया, वह 5 साल में देश का क्या निर्णय लेगा, कौन बड़े मुद्दे पर निर्णय ले पाएगा, ये तो सवाल बनता है ना। आप भी देश के नागरिक हैं, पत्रकार बाद में, ये सवाल बनता है ना कि जो दल बैठ करके 4-4 बैठकों में एक निर्णय नहीं ले पाया नेता का, वह 5 साल में देश हित में क्या निर्णय ले पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए देश की महान जनता समझ रही है कि एक ही नेता, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नेता जो देश का सर्वप्रिय, मनप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय, अति प्रिय नेता है, जो दुनिया में सब सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, उसका नाम नरेंद्र भाई मोदी है। भारत की महान जनता उसको कदापि नहीं खोए। जिस तरह से नीतीश कुमार बेंगलोर से वापस बिना मीडिया से बातचीत किए बेंगलोर से पटना में भी आए, तो मीडिया से दूरी बनाए,
तो क्या लग रहा है कि मतलब विपक्षी एकता में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? ये तो आप ना जानिएगा, विपक्षी एकता का मुहिम चले वो हिम्मत, वो तो गए थे सोचकर, उनके बड़े भाई ने कहा कि संयोजक बना ही देंगे इस बार, मेरी बात हो गई सोनिया जी से, मेरी बात हो गई शरद पवार जी से, तो इतनी गारंटी दे करके वो ले गए थे। और जब वो लौट कर आए तो उस बेंगलोर की बैठक में कुछ हासिल नहीं हुआ, कोई नाम का चर्चा तक नहीं किया, इनको इंडिया नाम पर आपत्ति थी, उस बात को भी किसी ने नहीं माना, नहीं सुना, तो इनकी तो एक नहीं सुनी ना वहाँ जा कर के, इनका तो ऑरा खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के जब साथ सरकार ये चला रहे थे तो सरकार इनके इशारे पर चल रही थी, अब तो इनके कहने पर अधिकारी इनकी बात नहीं मान रहे, अधिकारियों को भी लग गया कि अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव इन्हीं के कार्यकाल में होने वाला है, 25 में तो एनडीए की सरकार बनेगी, एनडीए का मुख्यमंत्री होगा, लेकिन तेजस्वी यादव इनको इसी बीच में धक्का मारने वाले हैं, ये अधिकारी के दिमाग में बैठ चुका है, आप जाकर देख लीजिए ना, आप समझ लीजिए कि अधिकारी क्या सोच रहे हैं इनके बारे में आज बैठ करके। तो इसलिए ये इनका ऑरा खत्म हो गया, इकबाल खो चुके हैं। अब इस प्रकार आप देख लीजिए ना खुद ही कि आए तो मीडिया में हिम्मत नहीं जुटा पाए कुछ कहने, बात करना चाहिए ना कि क्या क्या हुआ, जाते समय तो बड़ा लपक लपक के बात कर रहे थे मीडिया से, तो आते समय भी जरा रुक करके बात तो कर लेते मीडिया से, बता देते कि क्या हुआ। आप तो पहला सवाल पूछते कि नीतीश जी संयोजक का क्या हुआ, तो मैंने इसीलिए पहले कह दिया आपसे कि चौबे गए थे छब्बे बनने, दुब्बे बन के आ गए, कुछ दिन एकांतवास करें, अब राजगीर में जाएं जहां नुकाते हैं, नुका के कुछ दिन बढ़िया से सोचे चिंतन करें फिर राजनीति करें। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।